आज की सुन रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात तथा समानुपात से आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए उनको सुनो को आपको सॉल्व कराऊंगा ठीक है। 2016 से 2019 तक जितने भी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए उनको सुनो को आपको सॉल्व कराऊंगा ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वीडियो नंबर 28। वीडियो नंबर 28 लिखने का मतलब ये है कि जो मेरी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की सीरीज चल रही है उसकी ये वीडियो नंबर 28 है ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात तथा समानुपात चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, यानी ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो के बार आप जरूर से देख लें ठीक है। हम लोग क्या करें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है, और ये इसका पार्ट वन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4 है तो हमसे क्या पूछा गया, ए अनुपात सी का मान पूछा गया ठीक है। यानी ए बी का अनुपात इतना दिया गया है और बी सी का अनुपात इतना दिया गया। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ए अनुपात सी का मान आपसे पूछा गया ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या ट्रिक आपको बताई थी, सबसे पहले कि क्या पूछा है ए और सी, यानी आपसे पहला पूछे है और क्या पूछे आपसे लास्ट पूछे, पहला पूछे और क्या पूछे आपसे लास्ट पूछे ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जो यहाँ पे अंत है अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, ये इस बात को फॉलो करा ठीक है। यानी पहली पॉइंट आपकी ये कि जो यहाँ पे अंत होगा अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, यानी बीस भी यहाँ पे अंत है तो अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करें। और दूसरी बात तो आपको ये चेक करना है क्या बी का मान दोनों जगह सेम है क्या, तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना 5 है और यहाँ पे बी का मान कितना है 3 है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए अनुपात सी का मान पूछा, यानी पहला पूछा और अंतिम पूछा है। तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ठीक है। तो आप यहां से कर लीजिए ए अनुपात सी, करना क्या पहला और अंतिम पूछा ना, तो पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और अंतिम का अंतिम में गुणा कर लीजिए ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करिए कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा। और लास्ट का लास्ट में आप गुणा करिए कितना मिल जाएगा आपको, 20 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 20 आपको मिलेगा ठीक है। 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर ले रहे हैं, 2 3 6 हो गया और ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। यानी आप बता सकते हैं कि ए अनुपात सी का मान कितना गया, 3:10, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा, पहला पूछा और अंतिम पूछा, यानी पहला पूछा और अंतिम पूछा, तो पहले का पहले में गुणा करके लिख लिए और अंतिम का अंतिम में गुणा करके आप लिख लिए। अब देखिए इनके बीच में रेशियो लगा थे, रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप पे न्यूनतम फॉर्म ठीक है। 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, कार्ड का छोटा कर लिया आप क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा ठीक है। और ये क्वेश्चन की आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है क्वेश्चन है ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए अनुपात बी का मान 5:8 बी अनुपात सी इक्वल टू 18:25 है तो प्रश्न क्या पूछा आपसे, ए अनुपात सी का मान आपसे पूछा गया ठीक है। जो पहला मैंने क्वेश्चन बताया आपको सेम उसी तरह से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, ये इस बात को फॉलो कर रहा है, इतना क्लियर है। और पूछा कि हमसे पहला पूछे और क्या पूछे, अंतिम पूछे। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया, पहले का पहले में आप गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में आप गुणा कर लीजिए ठीक है। तो इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात सी, पहले का पहले में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 × 18 हो गए, 5 × कितना मिल गया 18, या आप गुणा कर सकते 18×95 भी आप लिख सकते, और लास्ट का लास्ट में गुणा कर लिए तो कितना मिल जाएगा, ये 8 × कितना हो गया, ये 25 हो गया, इतना क्लियर है। देखिए 5 से ये भी कटेगा 5 से भी कटेगा, हम लोग काट के छोटा कर लें ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 5 × 25 हो गया, और देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से भी कटेगा, 2 × 9 = 18 हो गया और ये 2 × 4 = 8 हो गया। अब कट के तो छोटा होगा ना इससे, अब यहां से कितना बजे आपका 9 बजे, और इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा 20 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि ए अनुपात सी का मान कितना मिल गया आपको, 9:20, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है ठीक है, ग्रुप डी में 2018 में पूछा है क्वेश्चन है ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए,
थर्ड देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि एल अनुपाते इक्वल टू 3:5 है और यम अनुपाते एन इक्वल टू 2:3 है, तो प्रश्न उससे क्या पूछेगा, एन अनुपाते एल का मान पूछेगा, एन अनुपाते एल का मान पूछा गया, ठीक है। यानी आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एन तो है नहीं लेकिन उससे क्या पूछे, एन अनुपाते एल का मान पूछा, ठीक है। तो हम लोग क्या के लिए, अगर यहाँ से पहला और लास्ट निकाल लेते हमको किसका मान पता चल जाएगा, एल अनुपाते एन का मान पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे देखिए इसका मान पूछा है, हम लोग क्या करें इसको पलट देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे पलट देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, एल अनुपाते एन अनुपाते एल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान निकालते हैं, मान निकाल कर हम लोग क्या करेंगे लास्ट में उसको पलट देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे पलट देंगे। तो यहां से क्या करिए आप निकालिए, पहला और लास्ट आप निकालिए, ठीक है। तो यहां से आप लिख लिए एल अनुपाते एन इक्वल टू, तो पहले का पहले में गुणा कर लिए कितना मिल गया आपको, 6 में, कितना मिल गया 6 में, और इसका गुणा आप इसमें कर लिए लास्ट का लास्ट में गुणा कर लिए कितना मिल गया आपको, 15 मिल गया। इतना क्लियर है, यानी आपको किसका मान पता चल गया, देखिए 30 से भी कटेगा 30 से भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर ले, ठीक है, काट के हम लोग क्या कर ले छोटा कर ले, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 6 हो गया और ये 3×5 यानी ये किसका मान पता चल गया हमको, एल अनुपाते एन का मान पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछे, एन अनुपाते एल का मान पूछे, तो हम लोग क्या करें इसको पलट दे रहे, इसको पलट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एन अनुपाते एल मिल जाएगा, यानी ये चीज हमको मिल जाएगी। अगर मैंने इसको पलट दिया इसको भी तो पलटना पड़ेगा, आप इसको भी क्या करिए पलट दिए, तो कितना मिल जाएगा, 5:2, ये इसका क्या गया आंसर है, इसका आंसर कितना गया, 5:2, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, फोर देखा जाए इसमें क्या दिया गया, यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 और ए अनुपाते सी इक्वल टू 10:21 है, तो हमसे क्या पूछा गया प्रश्न, बी अनुपाते सी का मान पूछा गया, प्रश्न क्या पूछा है, बी अनुपाते सी का मान पूछा गया, यानी ये लास्ट पूछा है और यहाँ पे देखिए पहला तो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग करें क्या, अगर हम इसको पलट दे, इसको क्या कर दे पलट दे, अगर इसको पलट दे तो देखिए आपको इस तरह से मिलेगा बी अनुपाते ए, इसको भी आपको पलटना पड़ेगा, कितना मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अंत अगला वाला इससे प्रारंभ है, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभिक है, इस बात को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और पूछा कि हमसे बी अनुपाते सी, कह सकते पहला पूछा और लास्ट पूछा, पहला पूछा और क्या पूछा, अंतिम पूछा, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, पहले का पहले में गुणा कर लिया और लास्ट का लास्ट में आप गुणा कर, तो आप यहां से लिख लिए बी अनुपाते सी, तो कितना मिल जाएगा, ये 30 मिल गया, 30 आपको मिल गया, और ये कितना मिल जाएगा, ये 2 × कह सकते कितना, 2×21 कर सकते या 42 भी आप कर सकते हैं, 42 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट गया, 3 से ये भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो 3×5 हो गया और ये 3×7 = 21, तो कितना मिल गया, 5:7, कितना मिल गया, 5:7, यानी आप बता सकते हैं कि बी अनुपाते सी का मान कितना मिल गया आपको, 5:7, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 5 देखा जाए इसमें क्या दिया गया, यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 3:4 है, बी अनुपाते सी इक्वल टू 6:5 है, तो प्रश्न आपसे क्या पूछे, ए अनुपाते ए प्लस सी का मान आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से ए बी सी का मान पता करें, ठीक है। हम लोग क्या करें, ए बी सी का मान पता कर सकते हैं, या देखिए क्या पूछे, सबसे पहले आपको किसका किसका मान पता करना, ए का मान पता करना और सी का मान पता करना, आप इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि ए अनुपाते सी, सबसे पहले मुझे क्या करना, ए और सी का मान पता करना, तभी तो हम इसमें रख के सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहला और अंतिम आपसे पूछेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और लास्ट लोग पता कर सकते हैं, यानी पहला और अंतिम आपको क्या करना, दोनों का मान आपको पता करना है, ठीक है। तो आप यहां से पता कर सकते हैं ए अनुपाते सी का मान आप पता कर सकते, इसका गुणा आप इसमें कर लिए, पहले का पहले में गुणा करें कितना मिल जाएगा, 3×6 मिले, और लास्ट का लास्ट में गुणा करें कितना मिल जाएगा आपको, 4×5 मिल जाएगा, कितना क्लियर। देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो हम लोग काट के छोटा कर ले, ये 2×2 हो गया और ये 2×3 6 हो गया, तो कितना मिल जाएगा, 9:10, कितना मिल गया, 9:10 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन उनसे क्या पूछे, ये तो हमको किसका मान पता चल गया, ए अनुपाते सी का मान पता चलिए, यानी ए और सी का मान हमको पता चलिए,
तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछे, इसका मान पूछे। तो जहां पे ए है उसको आपको कितना रखना है, 9 रखना है, और जहां पे सी है उसको कितना रखना है, आप 10। इसमें रखे सॉल्व के लिए, तो इसके लिए अगर आप कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाए आपको, 19 मिल जाए। कितना मिल जाए आपको, 19 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 9:19, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन की एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया। यदि अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया और इक्वल टू कितना है, 2 है, तो सी का मान आपसे पूछा गया। यानी क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा और ए का मान आपको दे दिया है, तो प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सी का मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह लिख सकते क्या, इसको हम इस तरह से लिख सकते क्या, ए अनुपात बी, जो बटे के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1:4 कर सकते हैं, इतना क्लियर है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बी अनुपात सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1:8 लिख सकते हैं। जबकि हमको पता है कि ए का मान कितना दिया गया है, 2, यानी ए बराबर कितना है, 2, ए का मान कितना है, 2, इससे पहले कोई वैल्यू रही होगी, यानी इससे पहले कोई वैल्यू रही होगी बट मुझे नहीं पता। अब इन दोनों के बीच में जब रेशियो लगा दिए तो काटने के बाद अनुपात ये मिला, यानी इससे पहले कोई और संख्या रही होगी, जब यानी इनको काटने के बाद ये अनुपात मिला। जबकि हमको ये पता है कि ए का मान कितना, 2, ए का मान मुझे चाहिए कितना, हर हाल में 2 चाहिए, इसमें किस संख्या से गुणा कर दिए कि 2 मिल जाए। आप बता सकते हैं अगर आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपको ए का मान आपको 2 मिल जाएगा। अगर मैंने इसमें 2 से गुणा किया तो बराबर करने के लिए आप इसमें भी क्या करें, 2 से गुणा करें। ठीक है, अगर मैंने इसमें 2 से गुणा किया तो इसमें भी तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि बी का मान आपको पता चलिए, बी का मान कितना, ये 8, बी का मान कितना पता चलिए आपको, 8, और यहाँ पे देखिए बी का मान कितना, 1, तो बी का मान 8 पर यहाँ पे भी करने का चाहिए, यानी बी का मान यहाँ पे भी मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो बी का मान 8 करने के लिए क्या करें, इसमें 8 से गुणा कर, बी का मान हमको कितना पता चल गया, 8, तो यहाँ पे बी का मान 8 करने के लिए हम क्या करें, इसमें 8 से गुणा कर, 8 × 8 यानी कितना मिल गया, बी का मान 8। अगर इसमें मैंने 8 से गुणा किया तो इसमें भी 8 से गुणा करना पड़े कि नहीं करना पड़े, इसमें भी 8 से गुणा करना। अब इन दोनों का गुणा कर लिए कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि सी का मान आपको कितना पता चलिए, 64, सी का मान कितना पता चलिए आपको, 64। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा, इन सी बराबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया और पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले मैंने क्या क्वेश्चन बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान पूछा, आप यहां से लिखे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी का मान आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्वेश्चन आपको बताया था चैप्टर में, यहाँ पे जो अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करे, पहली पॉइंट हो गई। और दूसरी पॉइंट इसके ये है, क्या बी का मान दोनों जगह सेम है क्या, यहाँ बी का मान 9 है और यहाँ बी का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे देखिए बी का मान 9 है लेकिन यहाँ पे बी का मान कितना है, 5। तो बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको करना है कि आप इसका गुणा करें, आप क्या करिए, इसका गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, कितना मिल गया, 7×5। ठीक है, पहली बार आपने गुणा किया तो पहली बार इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा आप इसमें करें कितना मिल जाएगा, इसका गुणा क्या करें आप इसमें करें कितना मिल गया, 9×45। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो जाएगा, यहां से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए उनका आपस में गुणा करें, ये और ये बच गए, इन दोनों का आपस में क्या करिए, गुणा करिए, तो कितना मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 99 आपको मिलेगा। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, हम लोग काट के क्या कर ले, छोटा कर ले। देखिए सभी 3 से कटेंगे क्या, तो मैं देखो 3 से सभी कटेंगे, तो आप क्या करिए, काट के छोटा कर ले। देखिए इसको 3 से डिवाइड कर दूं, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कि यानी 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड होगा, लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से ये डिवाइड होगा, 5 से ये डिवाइड होगा, लेकिन 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटेगी, तो इसका आंसर कितना आ जाए, यही आ जाए। आप इसको इसी तरह से छोड़ दें, ये इसका क्या गया, आंसर। इसका आंसर कितना गया, 35/45/99 ये इसका क्या गया, आंसर है। यानी किसी संख्या से अगर ये नहीं कटेंगे तो हम लोग क्या करें, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है।
कौन सा उसमें मैच कर रहा है, डी ऑप्शन का मैच कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन की ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखा जाए इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है और पूछा है कि ए अनुपात है डी का मान पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्वेश्चन को बताया, यहाँ पे जो अंत अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, यहाँ पे अंत किससे, बी से, तो क्या बी से यहाँ पे प्रारंभ है, क्या बी से प्रारंभ नहीं है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे हर आर में कितना चाहिए, बी चाहिए। अगर बी चाहे तो इसको क्या कर दे रहा हूं, पलट दे रहा हूं, इसको क्या कर दो पलट दो, अगर इसको पलट दे रहा हूं तो बी अनुपात सी हो गए, इसके मान को भी तो पलटना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू को भी क्या करिए पलट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ, अब देखिए इस बात को ये फॉलो कर रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि ए अनुपात डी का मान आपसे पूछा गया, यानी कह सकते पहला पूछा गया और अंतिम पूछा गया, पहला पूछा गया और अंतिम आपसे पूछा गया। अब आप इसको हटा सकते हैं, ठीक, आप इसको हटा सकते हैं। अगर ये पहला और अंतिम पूछा तो आप करिए क्या, सभी का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में आप गुणा करिए, पहले का क्या करना को पहले में आप गुणा करिए, तो कितना मिल जाएगा आप कह सकते हैं, इसका गुणा करें छह हो गया, छह पचे कितना हो गया तीस, कितना मिल गया आपको तीस आपको, और लास्ट का क्या करना आपको लास्ट लास्ट लेकर गुणा करिए, तो इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना, इसका गुणा करें कितना हो गया पांच तीन पंद्रह, और पंद्रह छह कितना हो गया नब्बे, पंद्रह छह कितना हो गया नब्बे हो गया। अब कहीं कट के छोटा है तो क्या है, इसको काट के छोटा कर ले, तीस से कम तीस हो गया और तीस के नब्बे, अगर ये कटेंगे तो काट के छोटा कर लिए, ठीक है, ये इसका क्या गया आंसर है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, एक अनुपात है तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, और ये भी क्वेश्चन की आर आर बी एन टी पी सी में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नाइन देखा जाए इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया और पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछा गया, क्वेश्चन इस तरह से दिया और इसका मान आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जो रेशियो ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता, जो रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता, तो करना कि यहां से मुझे क्या करना, बटा वाला फॉर्म हटाना, बटा वाला फॉर्म क्या करना मुझे हटाना, तो करना के हटाने के लिए आप इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा आप इधर करिए, इसका गुणा इधर करें कितना मिले आपको नौ मिले, और इसका गुणा इधर कर ले कितना मिले आपको चौदह आपको मिलेगा, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी बटा फॉर्म हटाने के लिए इसको भी क्या करें सेम इसी की तरह लिखेंगे। तो यहां से कर इसका गुणा आप इधर कर लीजिए और इसका गुणा आप इधर करिए, सात अनुपात कितना मिल गया पांच, अब कि हमको इसका मान पता चल गया और क्या करना आपको इसका मान आपको पता करना, तो आप यहां से लिखे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको पता, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला क्या इसी से प्रारंभ है क्या, मैं देखो ये प्रारंभ है, यानी इस बात को फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि बी का मान दोनों जगह सेम है क्या, तो यहाँ पे बी का मान चौदह है लेकिन यहाँ पे बी का मान कितना है सात, देखिए बी का मान क्या अलग अलग है, तो बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या, पहले का पहले में गुणा करिए, इसका गुणा आप इसमें करिए कितना मिले आपको नौ सौ कितना हो गया तिरसठ, नौ सौ कितना हो गया तिरसठ, आप यहां से लिख, और पहली बार में इसका पहला क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, आप करना है कि इसका गुणा आप इसमें कर लिए तो कितना मिल जाएगा चौदह सौ अंठानवे, और दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, अब जो बच गए इनका आपस में गुणा करिए चौदह पचे कितना हो जाएगा सत्तर, चौदह पचे कितना हो गया सत्तर। अब देखिए क्या किसी एक संख्या से सब कट रहे क्या, किसी एक संख्या से ये सब कट रहे क्या, तो देखिए सात से ये भी कट रहा है, सात से भी कट रहा है, सात से भी कट रहा है, काट के छोटा कर, सात नंबर तिरसठ हो गया, सात एकम सात सचो को अट्ठाईस, ये कितना आ गया दस, अब इससे छोटा तो होगा नहीं, ये इसका क्या गया आंसर है, यानी आप बता सकते कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना पता चले आपको नौ अनुपात चौदह अनुपात दस, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, टेन देखा जाए इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः चालीस प्रतिशत तथा साठ प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है, इसमें आपसे ये पूछा, यानी ये सब किससे कंपेयर करें, एक तीसरी संख्या से कंपेयर करें, हम लोग मान लीजिए पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या, सब किससे कंपेयर करें तीसरी संख्या से कंपेयर करें, अगर हम मान लें तीसरी संख्या कितना है सौ, तीसरी संख्या कितना है सौ, तीसरी संख्या से चालीस परसेंट एक्स्ट्रा है और ये साठ परसेंट ज्यादा, यानी जो पहली कितना ज्यादा है चालीस प्रतिशत इससे ज्यादा, तो कह सकते हैं कितना एक सौ चालीस है, और दो सेकेंड वाली कितना है साठ परसेंट एक्स्ट्रा, तो जो सेकेंड वाली कितना हो जाएगा एक सौ साठ,
और प्रश्न क्या पूछे आपसे, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछे, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछे, यानी इन दोनों के बीच का क्या करना आपको अनुपात निकाल। तो ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच में क्या करें अनुपात आप निकाल। जीरो से जीरो कट गया, देखिए दो से ये भी कटेगा, दो सत्तर चौदह हो गया और ये दो आठ सोलह, यानी ये बता सकते हैं कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा, सात अनुपात आठ। तो देखिए कौन सा मैच करा, सात अनुपात आठ, डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। और ये क्वेश्चन की आर आर बी एन टी पी सी 2017 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, ग्यारह देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखिए जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया, सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, यानी सेम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये किसकी तरह सॉल्व हुआ, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व हुआ। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है, इसमें आपसे यह पूछा, ठीक है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी और बजरी का अनुपात दे दिए, तो आप यहाँ हम लोग लिख लें, मिट्टी को हम लोग एम से इंडिकेट कर दे रहे हैं और बजरी को हम किससे इंडिकेट कर दें, बी से इंडिकेट कर दे, और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया गया, 11:8 दिया गया, इतना क्लियर है। देखिए क्या दिया गया फिर, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया गया, 6:7 बजरी हो गया और सीमेंट को लोग सी से इंडिकेट कर दे रहे, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया गया, 6:7 दिया गया। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछा गया, यानी आपसे क्या पूछा गया, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात आपसे पूछा गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं आपसे पहला पूछा गया और लास्ट आपसे पूछा गया, ठीक है, पहला पूछा गया और लास्ट आपसे पूछा गया। अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए लिख सकते, इसको भी लिख सकते, तो ये बी हो जाएगा और ये कितना है, सी, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंत है अगला वाले देखिए, इसी से प्रारंभ, इस बात को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा है, पहला पूछा और अंतिम पूछा है, तो करना क्या, आपको पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में आप गुणा करिए। तो यहां से कर लीजिए, 11 गुणे कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना मिल जाए आपको, ये कितना मिल जाए आपको, 8 गुणे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये करना है कि देखिए, दो से ये कटेगा, दो से ये कटेगा, आप काट के क्या करिए, छोटा कर लीजिए, काट के क्या करिए, छोटा करिए, 2 × 3 = 6 हो गया और ये 2 × 4 = 8, इन दोनों का गुणा करिए कितना मिल जाए आपको, 33 मिल जाएगा, और इसका गुणा करें कितना मिल जाए आपको, 100 × 28 मिलेगा, कितना मिली आपको, 28 आपको मिलेगा। यानी ये बता सकते हैं कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 33:28 है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए रेत और रोड़ी का अनुपात आपको दे दिया गया, आप यहां से कर लीजिए, रेत और किसका अनुपात दिया गया है, रोड़ी का अनुपात आपको दे दिया गया, ठीक है, कितना ये 41:30। फिर क्या दिया गया, रोड़ी और किसका अनुपात दिया गया, सीमेंट का अनुपात दिया गया, सीमेंट का अनुपात आपको दे दिया, कितना ये 6:7। तो प्रश्न आपसे क्या पूछे, रेत और सीमेंट का अनुपात पूछे, यानी पहला पूछा गया और अंतिम आपसे पूछा गया। यहाँ पे देखिए जो अंत है अगला वाला, इसी से प्रारंभ, इस बात को ये फॉलो करे, तो पहला पूछे और अंतिम पूछे, तो आप यहां से लिख लीजिए रेत और क्या करिए आप सीमेंट, आप लिख लीजिए रेत सीमेंट, आप लिख लीजिए पहला पूछे और अंतिम पूछे, तो पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन करो आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, कितना हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 41 × 6 कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, लास्ट का लास्ट में गुणा करिए 30 × कितना हो गया, ये 7, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 5 बार में कट जाएगा, अब देखिए यहां से कितना बच गया, 41 बचेगा, जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 मिलेगा।
अब ये देखिए कट के छोटा तो होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ोगे, यानी आप बता सकते हैं कि रेत और सीमेंट का अनुपात कितना पता चले आपको, 41:35। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी, आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात आपसे पूछा गया है, यानी इन दोनों की राशियों का अनुपात क्या होगा इसमें आपसे। तो सबसे पहले जो कंडीशन देगी उस कंडीशन को हम लिखते हैं, सूरज को लोग किससे एस से इंडिकेट कर दे रहे और रवि को लोग किससे आर से इंडिकेट कर दे रहे। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी, अगर मैं मान लो ये 1 है तो इसकी धनराशि कितना, ये 4 गुनी है, इतना क्लियर है। फिर देखिए क्या कहा गया है, रवि और आदित्य की बात करें तो रवि हो गया और आदित्य को लोग एस इंडिकेट कर दे रहे। देखिए क्या कहा गया, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, अगर मैं मान लो इसकी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 16, इतना क्लियर है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, 4:1, यानी आप इस चीज को ऐसे भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए, कितना हो गया, ये 16:1। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात पूछा है, यानी आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात पूछा है। अगर मैं इसको निकाल दूं, इसका देखिए, इसको देखिए, अगर आप इसको निकालेंगे पहला और लास्ट निकालेंगे तो आपको किसके पता चले, किसकी धनराशि का अनुपात पता चलेगा, सूरज और आदित्य की पता चलेगा। लेकिन पूछा कि आदित्य और सूरज की पूछा, तो निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, पलट दीजिए, पलट दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से निकाल रहे सूरज और आदित्य की, तो करना कि आपको पहले का पहले में गुणा करना और लास्ट का लास्ट में गुणा, तो कितना मिल गया आपको, 64 मिल गया, और लास्ट का लास्ट में गुणा करें कितने मिले आपको, 1 मिलेगा। ये देखिए पता चल गया आपको, लेकिन किसकी पता चला, किसकी धनराशि का अनुपात पता चल गया, सूरज और आदित्य का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, आदित्य और सूरज का पूछे, तो इसको क्या करें, पलट दीजिए, इसको क्या करें, पलट दीजिए, पलट देंगे कितना मिले आपको, 1:S कितना हो जाएगा, 1:64। जी इसका क्या गया आंसर, यानी आप बता सकते आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात कितना हो जाएगा, धनराशियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:64। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है ग्रुप डी में 2018 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 15 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें क्या दिया गया, यदि 1:B का अनुपात 45:56 है, बी अनुपात सी का अनुपात 16:35 है, तो ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, यानी इसका अनुपात आपसे पूछेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहला और दूसरा दोनों आपको सॉल्व करके दिखाया था, तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि रेशियल प्रोपोर्शन का पार्ट 1, अभी रेशियल प्रोपोर्शन पे मेरी 3 से 4 वीडियो और आएगी, ठीक है। रेशियल प्रोपोर्शन पर 3 से 4 वीडियो और आएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ, रेशियल प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने आपको कम्प्लीट पढ़ा दिया, ठीक है। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप जहाँ पे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में भी उन सभी वीडियो के लिंक आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हो उन सभी वीडियो को, ठीक है।